तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के अयोध्या शहर में दीपावली मनाने, और हम आज आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में दीपोत्सव कैसा होता है, अयोध्या का व्यू आज के दिन कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और थैंक यू सो मच, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए और आप पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। तो आज मैं आपको स्ट्रीट व्यू दिखाऊंगी अयोध्या की। तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय बोलो। ये देखिए शाम का समय है, सूरज डूबने को है और हम जा रहे हैं अयोध्या दीपोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। तो गाइज हमारे पास पास नहीं है जिसके थ्रू हमें एंट्री मिलेगी, पर चलिए देखते क्या होता है। तो ये हमारे राइट साइड में है रॉयल हेरिटेज होटल, और ये हमारे लेफ्ट साइड में है ड्रीम लैंड होटल, जो कि अगर आप अयोध्या बस्ती या गोरखपुर से होते हुए आ रहे हैं तो रास्ते में आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा। और ये देखिए भोलेनाथ की इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी बड़ी मूर्ति, जिसने भी बनाई होगी उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है अयोध्या की सड़कें, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, एकदम अमेरिका की सड़कें लगती हैं। बिल्कुल भी गंदगी नहीं है यहाँ पे, पेड़ पौधे हरियाली सारी चीज़ें हैं। तो देखिए गाइस हम लोग आ चुके हैं अयोध्या, अयोध्या में। ये है अयोध्या की सरयू नदी, देखिए कितनी विशाल नदी है, कितनी बड़ी नदी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पापों को धुलने के लिए आते हैं, देखिए नीचे धुल ये अयोध्या का व्यू नहीं, ये अयोध्या का ओवर ब्रिज का व्यू है एक्चुअली। और ये है अयोध्या की सड़कें, वहाँ से ट्रेन जाती है। ये यहाँ पे नदी है, इस नदी को सरयू नदी बोलते हैं। आपको सरयू नदी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, तो मुझे इसके बारे में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी नदी है, बहुत दूर तक गई है, पता नहीं कहाँ तक गई है, तो मुझे भी नहीं पता। और ये है अयोध्या का रोड, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं अयोध्या के अंदर। अभी ये अयोध्या शहर आ चुका है, अभी मेन अयोध्या नहीं आया है। तो हमारे साथ अब बने रहिए, हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, हम जितनी चीज़ें कवर कर पाएंगे इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आज आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम आज आपको दिखाएंगे कि अयोध्या दिवाली के टाइम पे लगता कैसा है। जो कहते हैं ना कि अगर मैं स्वर्ग कहूँ तो तुम अयोध्या समझ लेना, आज मैं आपको सेम वही चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो हम आ चुके हैं अयोध्या, ये देखिए यहाँ पे अयोध्या का टेम्पलेट लगा हुआ है। अयोध्या शहर में आपका स्वागत है, अयोध्या नगरी में उत्तर प्रदेश की पर्यटन आपका स्वागत करता है। और हम ऊपर न जा करके हम नीचे ब्रिज से चलेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से आप जाएंगे तो वो फैज़ाबाद लखनऊ का रोड चला जाता है। यहाँ नीचे से आएंगे और इसी रोड से अंदर से होके हम हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम पैड़ी, नया घाट, रामगढ़, सारी चीज़ें यहीं नीचे से होके जाती हैं। और हम आज कल मिलती है, देखते हैं गाइस एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। मेरे पास आधार कार्ड है अगर, तो ये आ चुके हैं अयोध्या ब्रिज के नीचे। ये देखिए वहाँ पे सामने, गाइस देखिए यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, और यहाँ पे जगह जगह आपको पुलिस फोर्स देखने को मिल जाएगी, पीएससी या फिर ऑफिसर्स देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि खड़े खड़े यहाँ पे पार्किंग कर रखी है लोगों ने। आज छोटी दिवाली है तो इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ होगी। तो गाइज अभी तो हमें किसी ने रोका नहीं, कि और ना किसी ने हमारी कार्ड आई कार्ड देखने के लिए पूछा, बट अभी आगे देखते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है, बाहरी गेट बना हुआ है, यहाँ पे कितनी पुलिस है आप देख सकते हैं। गाड़ी नहीं जा सकती और बिना
हमारा पास हम अंदर एंट्री नहीं ले सकते। तो देखिए मैं सब हम हेलो गाइस, तो हम एक दूसरे हमें एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि हमारे पास नहीं था। तो हमने दूसरे रास्ते से, एक शॉर्टकट रास्ते से हमने अंदर एंट्री ले ली है। ये देखिए अयोध्या, यहाँ पे लोग बिना पास के, जो भी अंदर है बिना पास के नहीं है, या फिर लोकल में है जो यहाँ पे अंदर जिनका घर है वो लोग हैं। देखिए बीच बीच में झांकियाँ जा रही हैं, कितने सुंदर सुंदर झांकियाँ जा रही हैं। और आपको माइक की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पधार चुके हैं और सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। आई थिंक जगह जगह माइक लगी हुई है, जगह जगह साउंड्स लगे हुए हैं और पूरे अयोध्या में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है। ये नज़ारा रात में देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। अभी दिन का समय है तो आपको ज़्यादा लाइटनिंग और सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल पाएंगी क्योंकि अभी उजाला है, प्रकाश है, पर रात के टाइम में यही अयोध्या किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। आप देखते रहिए यहाँ पे पीले पीले हैं और यहाँ पे लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठा हो रही है। धीरे धीरे करके दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें सिक्योरिटी बहुत टाइट है आज के दिन। आज के दिन ही नहीं, कुछ दिनों से बहुत ज्यादा, जब से अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी पधार चुके हैं और यहाँ पे राम जी के नारे लग रहे हैं। पर ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, मुझे लगता है कि नए घाट में हो रहा होगा, राम की पैड़ी में हो रहा होगा। बट अभी तो हम यहाँ सड़कों पे घूम रहे हैं, अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं और आपका गलियों का नज़ारा दिखा रहे हैं कैसा है। काश मैं यहाँ पे रात दिख पाती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कि रात के टाइम में अयोध्या कैसा लगता है। अंदर जाना अलाउड नहीं है। गए सब लोग अयोध्या तो आए, हम लोग अंदर भी आए बट हम लोग राम पैड़ी का नया घाट के अंदर नहीं जा पाए। सजा दो घर को तो ये है हमारी अयोध्या नगरी, बट अफसोस कि हम अंदर नहीं जा पाए। तो ये गाड़ी तो गाइज हम लोग बस इतना ही अयोध्या घूम पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।